सर्च करने पर भी हमारा चैनल शो नहीं होता, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोगों के साथ होता है, कई लोगों के साथ नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, जो आप करके अपने चैनल को वापस सर्च में ला सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले हम अपने यूट्यूब को क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। तो ये अभी मैंने ओपन कर रखा है, अभी यूट्यूब बीटा ओपन नहीं है, यूट्यूब क्लासिक ओपन है। इसको अगर आपके YouTube बीटा ओपन होता है तो YouTube क्लासिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो। तो इसमें आपको क्लिक करना है चैनल, तो अभी मैं यहाँ से चैनल को क्लिक कर लेता हूँ। चैनल को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग यहाँ पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग में आपको दोबारा से चेंज नेम इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो ये हमारा चैनल का नाम आ चुका है, और अगर आपको कुछ स्पेलिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर निक नेम में आपने अपना नाम नहीं लगा रखा नया चैनल का, तो आप यहाँ पर भी लगा लो। और साथ ही साथ आप नीचे ये वाला क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ दिखा रहा है, तो इसका आप डिफ़ॉल्ट ही रहना, तो इसको चेंज ना करो। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई ऐसा नाम लिख रखा है चैनल का जिस नाम से पहले से ही काफ़ी सारे चैनल है या एक दो चैनल भी है, तो आपका चैनल सर्च में ना भी आए, क्योंकि उनका चैनल आ रहा है सर्च में, तो इसलिए आपका चैनल सर्च में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने चैनल का कुछ यूनिक नाम रखें जो किसी का नहीं है। तो इस प्रकार से आपको अपने चैनल का कोई नाम लिख लेना है, उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। बैक करने के बाद सबसे मेन चीज़ ये है जिसमें लिखा हुआ है चैनल कीवर्ड। तो चैनल कीवर्ड में आपको चैनल का नाम लिख लेना है। तो जैसे कि अभी मैं हाउ टू क्रिएट ये वाला नहीं काटने वाला। सबसे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद में फन टैग, बीच में स्पेस नहीं है इसे, तो फन टैग इन्फो, दोबारा से डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर बाद में आप फिर से लिखो, जैसे छोटी ए बी सी डी में लिख लो, अभी कैपिटल में दिए, अभी स्मॉलर लेटर में लिख लो। इस प्रकार से आपको इसमें भी अपने चैनल के बारे में लिखना है, जैसे मैं एडसेंस के वीडियो डालता हूँ और भी अलग अलग वीडियो है, यूट्यूब लेटेस्ट अपडेट, जैसे कोई भी वीडियो हो, और अपने चैनल का नाम भी लिखना है दो तीन बार, बड़ी कैपिटल में और स्मॉलर लेटर में। तो इन दोनों लेटर्स में आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है। उसके बाद में सबसे नीचे आपको देखना है, सबसे नीचे ऑप्शन है सेव, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है, और ये सेटिंग करने के बाद 24 घंटे में आपका चैनल सर्च में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और साथ ही साथ अगर आपका चैनल का नाम आपने कुछ यूनिक नहीं लगा रखा है, तो ये गारंटी फेल हो सकती है, बट आप चैनल का नाम चेंज कर लो, यूनिक सा लगा लो, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका चैनल 24 घंटे में सर्च में आ जाएगा। फ्रेंड्स, छोटा सा लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।